पीएम मोदी की जमुई सभा के बाद जो तस्वीर सामने आई वो सबको हैरान करने वाली थी। पीएम ने जब जमुई में सभा की तो उन्हें देखने वालों का हुजूम उमड़ गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पीएम की जमुई की सभा में जमकर कुर्सियां चली हैं और ये तस्वीरें उसी की वानगी हैं। तस्वीरें देखिए कैसे कुर्सियों के पुर्जे पुर्जे तक टूट चुके हैं। रैली में बैठकर पीएम को सुनने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा आ गई, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया और जमकर आपस में ही कुर्सियां चलने लगी। जमुई के खैरा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई और सभा के बाद वो यहां से रवाना हो गए, मगर खैरा मैदान में उनके जाने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आप यहाँ देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगाई गई थी लोगों के बैठने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग इतने उत्साहित थे उनके आने के बाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर कुर्सियों को चकनाचूर कर दिया है, कई कुर्सियों को यहाँ पर तोड़ डाला है, एक के ऊपर एक यहाँ पर सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं टूटी हुई। और जाहिर सी बात है जिस टेंट वाले ने ये कुर्सियों को लगाया होगा उसका तो कितना का नुकसान हुआ होगा ये वही जाने, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कुर्सियों का पाया अलग कर दिया गया है। तो कई कुर्सियों का ये देखिए, ये कुर्सी का बैक है, जिधर देखिए कुर्सियों को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा में, क्योंकि जो लोग आए थे वो ज़्यादा संख्या में आ गए थे, उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए कुर्सियों पर चढ़ गए, कुर्सियों पर तोड़फोड़ किया और उसके बाद सभा को वो लोग जो है वो यहाँ पर उन्होंने विटनेस किया और फिर प्रधानमंत्री जब चले गए उसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस घटना से लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि यह अति उत्साह के कारण हुआ है, क्योंकि वहां मौजूद भीड़ पीएम मोदी को देखना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पीएम को देखने का मौका नहीं मिला तो वो कुर्सियों पर खड़े हो गए। इसके कारण पीछे बैठे लोगों को परेशानी हुई, जिसके बाद ये नौबत आ गई कि आपस में कुर्सियां चल गई। अब देखना होगा कि इसके पीछे जो हुआ उसकी किसी की जिम्मेदारी होती है या महज ये अफरा तफरी तक ही मामला सीमित रहता है। जमुई से रोहित कुमार सिंह, बिहार तक।